लास्ट में डाइस वाला करवाया था, लेक्चर लेक्चर देख लिया था उसका दोबारा। आ गया था ना समझ? तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। शाम वालों को मैंने, जिन्होंने शाम में क्लास अटेंड करी थी, उनको एक तरीका और बता दिया था जो कोफिशिएंट निकालने वाला होता है, वो भी डिस्कस कर लेते। तो क्वेश्चन ही करेंगे पहले, तो लिखो। या लिख लो S इक्वल टू 50। हमें चार डाइस को रोल करने हैं और हम चाहते हैं कि उन चारों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 15 हो। ठीक है, तो मल्टीनोमी लगेगी। ये वाला दोबारा मैं करवा रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत याद आ जाए। इसे क्लियर नहीं दिख रहा। भाई मेरे पास जो स्क्रीन में दिखा रहा है वो तो ठीक दिख रहा है वैसे। ब्राइटनेस, कोई लाइट लुइट बंद है क्या आज? एक मिनट को हम बुला कर आता हूँ। थोड़ी देर एडजस्ट करो भाई, फिर वो आ रहे हैं उसके बाद। फिर तो सम 15 चाहिए, पहला मैं ही करवा रहा हूँ। क्या करवाया था? चार डाइस रोल करें। मान लो ये इसके ऊपर नंबर आएगा x1, इस डाइस के ऊपर नंबर आएगा x2, x3 और या फिर x4, यही होगा। इन चारों का सम हमें कितना चाहिए? 15। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 15। अब क्या बताया था? मल्टीनोमी लगेगी। क्या मान लेते हैं 15 आइडेंटिकल टॉफीज हैं हमारे पास, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने कितने बच्चों में? चार बच्चों में। हर बच्चे को मिनिमम कितनी टॉफी मिलनी चाहिए? एक। क्योंकि डाइस पर कंडीशन होती है कि मिनिमम एक टॉफी तो मिलनी चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, सबको एक एक टॉफी तो बांट दी। अगर सबको एक एक टॉफी बांट दी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई वैल्यूज होंगी उन नई वैल्यूज का सम कितना होगा? 11 होगा। ये होगा 15 में से चार टॉफी बांट दी 11 बच्चे। तो नंबर ऑफ वेज अगर हमें निकालने हैं तो क्या करेंगे, 11 टॉफी को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने तरीके आएंगे? n प्लस r माइनस 1, c r माइनस 1, इतना आया। लेकिन बताया था इसमें क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैक्सिमम जो को हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें अपर लिमिट नहीं थी। मतलब x1 x2 x3 की मैक्सिमम वैल्यू की सीलिंग नहीं थी कोई, कितनी मर्जी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते। लेकिन यहां पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6। तो हमें वो केसेस माइनस करने पड़ेंगे जब इसकी किसी एक की वैल्यू 6 से बड़ी चली जाएगी, तो वो केस माइनस कर देते हैं। तो पहले ये सोचो, ऐसा हो सकता है कि दो डाइस को 6 से बड़ा नंबर मिलो? पॉसिबल है इस केस में? अगर दो डाइस को 6 से बड़ा मिले तो कितना मिले? 7 मिले ना। मान लो इसको 7 मिल गया, इसको 7 मिल गया, तो 7 प्लस 7 कितना हुआ? इसको 1 मिला, इसको 1 मिला, कितना हुआ? तो दो डाइस को 6 से बड़ा नंबर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 16 टॉफीज तो होनी चाहिए थी मेरे पास, लेकिन है कितनी? तो इसका मतलब सिर्फ एक ही डाइस ऐसा हो सकता है जिसको 6 से ज्यादा टॉफी मिली हो। ये बात समझते हो? ये भी डिसाइड करना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि कितने डाइस हो सकते हैं ऐसे। तो माइनस कर देंगे क्या 1 डाइस गेट्स एटलीस्ट 7। ये कितना आएगा? 14 C3 आएगा माइनस। अब यहां पर काम करने का तरीका क्या बताया था? पहले वो डाइस सिलेक्ट कर लो। 4C1 से हमने वो डाइस सिलेक्ट कर लिया जिसको 6 से ज्यादा टॉफी देनी है। अब 6 से ज्यादा देनी है तो कम 7 तो देनी पड़ेगी ना, तभी दिक्कत आनी चालू होगी।
तो एक काम करते हैं, इसको 6 टॉफी और बांट देते हैं। तो अब ये केस काम का रहा हमारे, तो माइनस करना पड़ेगा। अभी तक कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो? 7 और 3 10, टोटल 10 कर चुके हैं। एक 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 तो पहले बांटी थी, 6 और बांट दी, 10 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब कितनी बची है हाथ में? 5 बची है, टोटल 15 थी ना शुरू में। अब उन 5 को बांटने के कितने तरीके होंगे? 5 + 4 - 1 = 4 - 1, समझ में आया? तो टोटल में से जो काम की केस नहीं है वो माइनस कर दिए, तो आंसर आ गया 14C3 - 4C1 * में कितना आएगा? 8C3। यहां तक कोई दिक्कत हो? इसका दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, इतना नोट करो एक बार। कपिल जी एक बार ये देखोगे इसमें वो, अच्छा ब्राइटनेस की दिक्कत आ रही है आपके सामने। कि मन उठ गया इसका, तो उसको पहले नहीं पता चला इतनी देर पहले की शक्ल ही पहचान लो, सब्जेक्ट नहीं पहचान सकते। चलो दूसरा मेथड साथ साथ देख ही लो। दूसरे मेथड में हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ वेज जो आएंगे, अब वो बताया था, थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था तुम्हें कि कोफिशिएंट से भी काम करते हैं इन सवालों में। तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि पहला डाइस है उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, या तो 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4, 5 या 6। 6 के अलावा कुछ आ सकते हैं इनके अलावा? तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल सम कितना चाहिए अपने को? 15। तो नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 15 निकाल लो। कहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बोली हमने अभी? 1 से लेकर 6 तक x को ये सारी पावर दे दो। अगर 1 आ सकता है तो x की पावर 1, फिर 2 आ सकता है तो x को पावर 2 मिलेगी, 3 आ सकता है तो x को क्यूब मिलेगा, चलता जाएगा। और पूरे की पावर कितनी कर दो? 4। ये लिखना आना चाहिए क्योंकि 4 डाइस है। अगर 3 डाइस होते तो पावर 3 आती, अगर 15 होते तो 15 आ जाती। जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी पावर x को दो, जितनी डाइस है उतनी टोटल पावर कर दो, और सम चाहिए 15। तो किसका कोफिशिएंट? x की पावर 15 का। अब ये निकालना हम जानते हैं, क्या करेंगे? ये जीपी लिखी हुई है, जीपी का सम क्या होगा? x इनटू x की पावर 6 - 1 अपॉन x - 1, पूरे की पावर कितनी आएगी? 4। इसको मैं ये लिख सकता हूं x की पावर 4, सम सही करें ना मैंने, a इनटू r की पावर n - 1 अपॉन r, सही है? ठीक है, इसको ये लिख लो, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर 4, इसको एक्सपेंड करना जानते हैं। तो पहले आएगा 1, माइनस में आएगा 4c1 x की पावर 6, प्लस में आएगा 4c2 x की पावर 12, माइनस 4c3 x की पावर 18। पूरा चैप्टर कर लिया इसके ऊपर, बाकी मेरे सुनने में आया कि कुछ ओनहार बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जो 1 + x की पावर n का अप्रोक्सीमेशन भी नहीं बता सकते, है ना? ऐसा नवनीत सर ने पूछा होगा, कहाँ कौन सा बच्चा था वो? अच्छा आज आए नहीं होंगे फिर वो, नहीं सर तो कह रहे थे नॉर्मेड के भी थे 2-3। ब्राइटनेस बच्चे कह रहे हैं, नॉर्मल से तो शायद थोड़ा अलग है, ब्लर कह रहे हैं थोड़ा, बहुत कम। हाँ वैसे दिख तो रही है, वैसे हाँ थोड़ा तो दिक्कत है वैसे नॉर्मल से तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बाकी की टर्म्स मेरे लिए मैटर नहीं करती, सोच के देखो, क्योंकि x की पावर 4 आ गया, 4x की पावर 10 आ गया, बाद में तो x की पावर 15 से तो बड़ी आएगी ना, तो हमें चाहिए कितना है? x की पावर 15 का कोफिशिएंट तो क्यों लेकर चले, फर्क ही नहीं पड़ता हमें। साथ में कितने हैं? 1 - x की पावर - 4। अच्छा x की पावर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 15 बन जाए? x की पावर 11। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? x की पावर 5। अब ठीक हो गया होगा होपफुली, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालने सिखाए थे,
ये भी याद करो, बताया था अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो और उसमें एक्स की पावर आर का कोफिशियंट निकाल लो, क्या फॉर्मूला बताया था? माइनस वन रेशियो पावर एन नहीं आता, अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे माइनस हो, पहली बात। एन प्लस आर माइनस वन सी आर, अगर मुझे सही याद है, मुझे खुद को नहीं याद, सही बताऊं तो एन का मोड तो फिर वो वही हो गया ना, देखना फॉर्मूला क्या, वैसे मुझे खुद को नहीं याद आ रहा। सी आर माइनस वन, चलो तो क्या होगा, यहां से तो वन मिलेगा। अगर x की पावर 11 का कोफिशियंट चाहिए तो क्या लिखोगे, 4 प्लस 11 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 आर माइनस 1, आर माइनस 1 नहीं होगा, आर ही होगा, आर होगा। और आर का मतलब कितना चाहिए, 11 चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं, वैसे ही फालतू में। यहां से कितना कोफिशियंट मिलेगा, माइनस का 4। अगर x की पावर 5 का कोफिशियंट चाहिए तो कितना आएगा, 4 प्लस एन प्लस आर माइनस वन सी आर। तो सोच के देखो क्या बन गया, 4 प्लस 11 माइनस वन यानी 14 सी 11 माइनस 4 इंटू ये बना 8 सी 5। चेक करो सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो आंसर दोनों से सेम आएगा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। नोट लेकिन दोनों कर लो, किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछ लो। हाँ भाई, अब कॉर्नर वाला दिख रहा होगा, होपफुली दिख ही रहे वैसे तो। सर एटलीस्ट 7 वाला समझ नहीं आया, प्लीज बता दो भाई। ये पिछली बार भी हुआ था यार, लेक्चर दोबारा देख लिया तो फिर तू पूरा कैसे बताऊं दोबारा। तो मैं रिवीजन करवा दूं एक तरह से, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही किया था ऐसा, सही बस उसमें 15 की जगह कितना था, शायद 11 था। आप थोड़ा नया सवाल करेंगे उसमें दिक्कत हो तो बताना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोएफिशिएंट वाले में। दोनों के अपने फायदे हैं, वो थोड़ा सा लेंथी जाता है लेकिन उसमें पहला स्टेप लिखना, उसके बाद सोचना नहीं है, बाइनोमियल लगानी है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें और सोचना पड़ता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोफिशिएंट वाले मेथड का लॉजिक बताना सर, कोफिशिएंट वाले मेथड का लॉजिक कुछ नहीं है, मतलब है, मतलब सिंपल है। जैसे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर 6 ले रहे हैं, इसको चार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, चार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं किसका कोफिशियंट ढूंढ रहा हूं, एक्स की पावर 15 का ढूंढ रहा हूं। मान लो मैंने यहां से एक्स का क्यूब ले लिया, सेकंड वाले से भी एक्स का क्यूब लिया, फिर एक्स की पावर 4 लिया, 4 3 7 और 3 10 और ये 5 15, मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये क्या इंप्लाई कर रहे है? कि पहले डाइस पर 3 आया होगा, दूसरे डाइस पर 3 आया होगा, तीसरे डाइस पर 4 आया होगा और चौथे डाइस पर 5 आया होगा। अब क्योंकि एक्स की पावर 15 बनाने तो अपने आप पावर्स का सम 15 ही आएगा, ठीक है, तो अपने आप सम 15 भी बनता जाएगा जो हमें चाहिए। और क्योंकि मैं 1 से लेकर 6 तक लिख रहा हूं तो कभी वो केस आएगा ही नहीं फालतू वाला कि कहीं से हमने 7 उठा लिया, इसके पास है x की पावर 7, तो यहां से x की पावर 7 पिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी डाइस पर 7 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, सिर्फ 1 2 6। तो जब जितने तरीके से तुम 15 बना सकते हो उतने तरीके से अलग अलग पावर्स का सम 15 आता रहेगा, उतनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी। जुगाड़ लगा लिए एक तरह से, बाकी जुगाड़ है बहुत प्यारा। ये कर लिया नोट वगैरह, सेकंड पार्ट लिखो इसका, अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दे तो क्या होगा। मान लो अब उसने बोल दिया कि सन जो है वो हमें 18 चाहिए, मैं करूंगा या ट्राई करोगे, करो।
ये वो सबसे मुश्किल सवाल है जो इसको पूछ सकते हैं बस। अलग क्या इस क्वेश्चन में? वैसे दो डाइस, अब ऐसे दो डाइस भी हो सकते हैं जिनका सम जिनके ऊपर नंबर 7 से बड़ा हो। तीन हो सकते, अगर तीन डाइस के ऊपर 6 से बड़ा है तो 3 के ऊपर 7 हो गया, तो यहीं से सम 21 आ गया, लेकिन टोटल चाहिए कितना, 18 चाहिए, तो 3 का पॉसिबल नहीं है लेकिन 2 का पॉसिबल है। इस बार प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाओ, एक लाइन में आंसर है। 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। पक्का सही है? दूसरे से भी करके देख ले फिर, अगर पक्का सही तो मैच कर सेम, आ भी रहे नहीं आ रहा। करें डिस्कस, आगे होगा या तो आगे होगा या नहीं आया होगा, बस कुछ नहीं करना, वही सेम काम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, पहले सबका सम 18 चाहिए, एक एक टॉफी बांट दी सबको, वो तो जरूरी है, कितनी टॉफी बची, 14। तो पहले तो बिना सोचे समझे नंबर ऑफ वेज लिख दो, अगर 14 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो 14 + 4 - 1 = 4 - 1, इतना तो आएगा। अब इसमें से कौन सा केस माइनस करोगे? अब ये चीज का ध्यान रखना, दो डाइस हो सकते हैं जिनके ऊपर 6 से बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो होंगे ही होंगे, हो सकता है एक के ऊपर 6 से बड़ा रहो। सपोज करो इस डाइस के ऊपर तो आ गया 10, इस डाइस के ऊपर आया 4, इसके ऊपर 3 आया और इसके ऊपर भी 1 आ गया, सबका सम 18 आ रहे। कितने डाइस हैं जिनके ऊपर फालतू का नंबर आ रहे? एक ही डाइस है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, सेट वाला काम करते हैं, पहले एक वाला केस माइनस कर दो। एक वाला केस मतलब क्या होगा, 4c1, चार में से कोई एक डाइस सिलेक्ट कर लिया जिसको 6 से ज्यादा टॉफी मिल रही है, तो इसको मिनिमम कितनी टॉफी देनी है, 7 तो देनी पड़ेगी ना, मतलब 6 और देनी पड़ेगी, तो 6 और बांट दी। अब कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 10, बची कितनी, 8, वो बाकी बची हुई 8 जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बांट दो। ये बात पल्ले पड़ी, सेम काम है, लेकिन इसमें जब हमने बाकी की 8 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करी, हो सकता है उन 8 में से 6 टॉफी उठाकर X2 को दे दियो। मैंने कहा X1 को तो 7 टॉफी मिल गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बाकी बची हुई 8 है उनमें से 6 या 6 से ज्यादा टॉफी उठाकर X2 को दे दियो, तो X2 भी पार हो गया अपनी लिमिट के, तो वो केस भी माइनस करने पड़ेंगे, तो वो केस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं ना। तो एक तरह से याद करो, वेन डायग्राम बनाकर हमने क्या बोला था कि ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी। जब मैंने 4c1 से सिलेक्शन करे तो टुकड़ों में सिलेक्शन करे, ध्यान से समझना थोड़ी अजीब बात है, 4c1 से जब मैंने सिलेक्शन करा टुकड़ों में करा, तो हो सकता है कि पहले ए वाला सिलेक्ट हो गया और इससे बी का काम हुआ, पॉसिबल है या नहीं है कि जब मैंने 4c1 सिलेक्ट करा तो x1 वाला सिलेक्ट हुआ
जब बाकी की 8 बांटी तो x2 वाला सिलेक्ट हो गया, पॉसिबल है। एक बार उल्टा काम भी हो सकते हैं। तो ये वाला केस कितनी बार काउंट हो गया? दो बार, कि पहले x1 का काम हुआ फिर x2 का हुआ, या फिर पहले x2 का हुआ फिर x1 का हुआ। तो ये दो बार काउंट हुए, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, या फिर तुम क्या कर सकते हो? इसमें प्लस कर दो, अगर सिंपल काम करो। एक्चुअली डिवाइड बाई 2 से काम चलेगा नहीं, उसमें थोड़े और पंगे पड़ेंगे। इसको सिंपल करने के लिए कर सकते हो, इसमें प्लस कर दो। प्लस क्या करो कि अब दो डाइस ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है, मतलब एन ए प्लस एन बी, वो तो इसी में आ गया ना, जो एन ए प्लस एन बी वाला काम है वो तो इसमें आ गया। उसमें से ये वाला जो पार्ट है वो दो बार काउंट हो गया, एक बार ए में एक बार बी में, तो उस पार्ट को माइनस कर दो। तो ये कौन सा पार्ट है? जब दो डाइस को 6 से बड़ा नंबर मिले, दो डाइस को 6 से बड़ा नंबर मिले तो वो ऐड करो, दो डाइस का सिलेक्शन करो, कितने वेज होंगे? 4c2। तो इसको भी 6 से बड़ा मिलना चाहिए, इसको भी 6 से बड़ा मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी 6 टॉफी दे देते हैं। अब कितनी टॉफी बांट चुके? 16 बांट चुके। कितनी और टॉफी बची? उन दो टॉफी को बांटने के कितने तरीके होंगे? तो एक्चुअली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 17c3, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, माइनस 4 इंटू ये होगा 11c3 प्लस 6 इंटू 5c3, ये आंसर है। कुछ पल्ले पड़ा? जब मैंने ये वाला काम करे तो इसमें एनए वाला केस भी काउंट हो गया, एनबी वाला केस भी काउंट हो गया, लेकिन जो बीच वाला केस है वो दो बार काउंट हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड करना पड़ा, दो बार माइनस हुए तो एक बार प्लस करना पड़ेगा। अब दो डाइस सिलेक्ट करें जिनको 6 से बड़ा नंबर मिल रहे, 6-6 टॉफी बांट दी उनको, मिनिमम 7-7 टॉफी आ गई, बाकी बची हुई टॉफी को जैसे मन करा वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो सर, अगर 3 डाइस को पॉसिबल होता तो क्या करते? अल्टरनेट साइन चलते ना, प्लस माइनस प्लस, अगला क्या आता? माइनस आता, फिर 4 में से 3 डाइस का सिलेक्शन करते जिनको ज्यादा मिले, और बाकी बची हुई टॉफी को अपनी मर्जी से बांट देते, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कहोगे तो मैं कोफिशिएंट से करके भी दिखा देता हूं। हो गया ये यार, वो तुम्हारी इच्छा। पहला स्टेप लिख देता हूं, अगर फिर भी घर जाके करने का मन हो तो मैच कर लेना। कोफिशिएंट ऑफ कितना सम चाहिए अपने को? तो 18 का कोफिशिएंट चाहिए। किसमें से पॉसिबिलिटीज क्या क्या? पावर 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 6। कितने डाइस हैं? 4। पिछले वाले की तरह सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी। डिवाइड बाय 2 से दिक्कत यह है कि भाई एक्चुअली ये दो बार काउंट नहीं हुए, क्योंकि एक डाइस तो हमने सिलेक्ट करा है, इसमें भी फिर सिलेक्शन होगा x2 x3 x4 में। वो तो मैंने एग्जांपल से बताया कि दो इवेंट हो रही है ऐसी कि या तो x1 को ज्यादा मिला, x2 को ज्यादा मिला, या दोनों को ज्यादा मिल गया। तो एक्चुअली लेकिन वो जो दूसरा नंबर है उसका भी तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, इन 3 में से, x2 x3 x4 में से। तो फिर उसके सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुए, उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कर तो सकते हैं उसको ऑब्वियसली, लेकिन उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सिंपल है कि सेट वाले काम करो, टोटल में से माइनस करते जाओ, पहले एक वाला फिर दो वाला ऐड कर दो, अगर 3 वाला पॉसिबल है तो 3 वाला माइनस कर दो, 4 वाला पॉसिबल है तो 4 वाला ऐड कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो सिंपल सवाल है, 15 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, एक रो में बिठाओ, हर दो लड़कियों के बीच में कम से कम 2 लड़के तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो फर्क नहीं पड़ता। अगर समझ में आ रहा है, बाकी मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, अगर वैसे लिख ले। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 15 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट बिटवीन एनी 2 गर्ल्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 बॉयज। चलो कंसेप्ट ही डिस्कस करते हैं, इतना टाइम है नहीं, फिर मैं तो पता लग रहा है शाम को फिर वही करते हैं, मैं भी उब चुका हूं थोड़ा सा। तो बताओ करना क्या चाहिए? एक तरीका तो केस का है, वो तो मैंने बोल दिया, अब केस कोई नहीं बोले, टोटल में से माइनस कर दें कि उसमें फिर थोड़ी दिक्कत है, मतलब ठीक है दिक्कत कुछ नहीं है, केस में बिल्कुल सही केस है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे आसान तरीका भी है, सोचो एक मिनट,
सिर्फ डिस्कस करते हैं क्या भाई, सारे गैप नहीं नहीं नहीं, ये पहला स्टेप ही तरह गलत है। मतलब तो ये कहना चाह रहे सारे गैप आइडेंटिकल होंगे, इक्विवेलेंट से तरह मतलब यही है, नहीं फर्क पड़ रहा है। ये वाला गैप जीवन और G2 के बीच में, वो वाला गैप G2 G3 के बीच में, वो G3 के राइट में, वो जीवन के लेफ्ट में, तो गैप तो अलग अलग है। तो शब्द फिर दूसरे हो चुके, जो तू शब्द कह रहे वही तो मैं समझूंगा ना, तू शब्द तू कह रहा है पेन और मतलब तेरा फोन है, तो मैं वो कैसे समझू, मैं बता बता कोई बात नहीं। हाँ भाई बोल। चार गैप है सर, उनके अंदर सर वो वाला अरेंजमेंट कर देंगे सर, क्योंकि तीन बॉयज हैं, उन्हें चार चीज मतलब x + y + z + w को तीन गैप पर रख देंगे। अच्छा फिर इसमें दो दो बांट देंगे। सही है, हर में दो दो नहीं, सिर्फ इन दोनों में। तो पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को बिठाने की बजाय, लड़कों को बिठाने की बजाय पहले कुर्सियां लगा देते हैं उनके लिए कि कितनी चेयर कहां पर आएंगी, कितनी चेयर लगानी है अपने को, 15। तो मैं कुर्सियां गिन रहा हूं। तो जीवन के लेफ्ट में मान लो एक्स बच्चे बैठे हैं, एक्स लड़के बैठे हैं, जीवन और G2 के बीच में वाई लड़के बैठे हैं, G2 और G3 में जेड, और G3 के राइट में कितने बच्चे बैठे हैं, डब्ल्यू। टोटल सारे लड़कों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अच्छा, एक्स के ऊपर कोई कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक भी लड़का ना बिठाओ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जीवन और G2 के बीच में जितने लड़के बैठे हैं वो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। तो वाई कम से कम 2 से तो बड़ा ही हो या 2 के इक्वल हो, और G2 और G3 में जितने बच्चे बैठे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और W क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात है। तो पहले लड़के सिलेक्ट करें। अब नंबर ऑफ वेज कितने हुए, लड़कियां अपने आप बैठी हमें बिठानी पड़ेंगी, फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर दिया कि तीन लड़कियां जो है वो किस तरीके से बैठी हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कहां पर कितनी चेयर लगानी है अपने को। तो वो डिसाइड करने का तरीका, चारों का सम 15 आना चाहिए, वही 15 आइडेंटिकल टॉफी चार लोगों में बांट दो, वाई और जेड को मिनिमम कितनी कितनी टॉफी चाहिए, दो दो बांट दो, पहले कंडीशन पूरी कर दो। तो दो दो टॉफी अगर बांट दी तो कितनी टॉफी बची, 11। उन 11 टॉफी को कितने लोगों में बांटने, टॉफी बट गई, कुर्सियां बट गई, 15 कुर्सियां लगी हुई हैं, उन 15 कुर्सियों पर 15 बच्चों को बिठाने के कितने तरीके हैं। तो आंसर आ गया फैक्टोरियल 3 इंटू कितना 14C3 इंटू फैक्टोरियल 15। पल्ले पड़ा क्या किया, कुछ पूछना है पूछ लो, जल्दी से नोट करो, अगला सवाल करते हैं। सर हम क्वेश्चन को चेंज करके गर्ल्स को बिठा दें, कर तो सकते हैं लेकिन करेगा कैसे भाई उसको, सोच तो तेरी ठीक है लेकिन पीएनसी में लिखेगा कैसे उसको, अगर लिख सकता है तो फिर सही है, बहुत सही है। ये तो मैं भी वैसे पहली बार तरीका सुन लूं। 14C3 वाला पार्ट बता दो। 14C3 में हमने ये करा है कि टोटल बच्चों की जो स्ट्रेंथ है लड़कों की वो 15 है, तो उन सबका सम 15 आना चाहिए। इन दो लड़कियों के बीच में कम से कम दो लड़के होने चाहिए, यहां पर कम से कम दो लड़के होनी चाहिए, तो वाई और जेड की मिनिमम वैल्यू 2 है। तो 15 टॉफी बांटनी थी, दो दो टॉफी पहले बांट दी, टोटल बची 11 टॉफी, दो इसको मिली दो इसको मिली, चार तो बट गई ना, उन बाकी बची हुई 11 टॉफी को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस बात से हमें यह पता चला कि किस कहां पर कितनी चेयर लगानी है। जैसे मान लो एक्स को वैल्यू 3 मिली, तो मतलब मुझे क्या पता चला, जीवन के लेफ्ट में 3 चेयर होंगी, 3 बच्चे बैठेंगे। अगर वाई को वैल्यू 7 मिली तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर कितनी चेयर होंगी, 7। Z को 2 मिली तो 2 होंगी, उस हिसाब से डिसाइड होता जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, चलो इस टॉपिक पे। एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख लोगे, टेस्ट का रिजल्ट आ गया तुम्हारे पिछले वाले का, आई क्या होगा, कुछ करके आए हो मैथ्स में? यस सर। 60 से ऊपर किसके हैं यहाँ पर, 60 से ऊपर तो चलो बनते थे आसान पेपर था, 80 से ऊपर ये ठीक है, 80 कितने, हाँ भाई 87 और किसके कितने, 90 90, हाँ ना 80 से ऊपर बोले तो 90 होंगे, 19 कैसे होंगे, 92 और किसी के है 80 से ऊपर, 70 से 80 वाला उसमें है जनता। हो गया, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू कितना लिखोगे? कितना लिख लो मेरा क्या 30 तो छोटा हो जाएगा 1200 लिख लो. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1200. इफ इसमें पहला पार्ट लिखो एक्स कोमा वाई एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर्स. ये मैं ही करवा रहा हूं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमने प्लस वाले देख लिए काफी सारे. ये मल्टीप्लाई वाले हैं कि एक्स वाई जेड तीन नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट 1200 आना चाहिए. कितने तरीके से आ सकते हैं? तो कुछ नहीं, ये भी मल्टीनोमियल का सवाल है, बस थोड़ा सा उसने घुमा फिरा के बोल दिया. 1200 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, करना एक बार कितनी आ रही है. शायद 2 की पावर 4 आएगी, 3 की पावर 1 आएगी और 5 की पावर 2 आएगी. चेक कर लो, ये कुछ हो रहा है. Yes, यही है ठीक है. तो होगा क्या? अब देखो x इंटू वाई इंटू जेड इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 की पावर 4 आए. सपोज करो x के पास पावर 2 की पावर अल्फा 1 है, y के पास 2 की पावर अल्फा 2 है, z के पास 2 की पावर अल्फा 3 है. जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड होंगी मल्टीप्लाई होंगी ऐड होंगी. तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसकी पावर का सम इसकी पावर का और इसकी पावर का सम 4 आना चाहिए. या मैं इसको दूसरे तरीके से ये देख सकता हूं कि राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसके पास कितने 4 हैं, सॉरी कितने 2 हैं, 4. उन 4 जो 2 हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, आइडेंटिकल हैं. उन 4 2 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने, बस यही तो हो रहा है ना. ठीक है. अच्छा, जरूरी है कि एक्स को 2 देना ही देना, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर तो तब भी है. वाई को या जेड को देना जरूरी हो? तो एक्चुअली हम यहां पर क्या करेंगे, 2 की जितनी पावर है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 4 आइडेंटिकल 2s हैं और 2 हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4+3-1 C3-1. इतना काम हुआ. कितने 3 हैं हमारे पास, 1. उस एक आइडेंटिकल 3 को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके, 3 तरीके ना, या तो x के पास जाएगा या y के पास या z के पास. कितने तरीके हुए, 3. इसमें मल्टीनोमी लगा लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन क्यों लगानी है. 5 कितने हैं हमारे पास, 2. उन 2 आइडेंटिकल 5 को बांटने के कितने तरीके होंगे 3 लोगों में, 2+3-1 C3-1. कुछ पल्ले पड़ा ये? यस सर, यस सर. तो जितने जितने आइडेंटिकल प्राइम नंबर हैं उनको 3-3 लोगों में बांटते रहो. पहले प्राइम नंबर 2 के लिए काम हुआ, फिर प्राइम नंबर 3 के लिए काम हुआ, फिर प्राइम नंबर 5 के लिए काम हुआ. सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है. तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 6C2 और इनटू में आएगा 4C2. कुछ कुछ पल्ले पड़ा, क्या करें. तो ये तो पहला पार्ट हुआ कि अगर एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स हैं. सेकंड पार्ट लिखो इसका, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर्स. इसका आंसर खुद बताओ कितना आएगा. इंटीजर होने से वैसे फर्क क्या पड़ेगा, नेगेटिव में भी आ सकते हैं. आ गया आंसर. तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि इंटीजर चाहिए ना तुम्हें, नेचुरल नंबर्स के लिए तो पहले से निकाल चुके हो. कुछ नहीं करना, इनके साइन डिसाइड करने हैं बस. जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं पहले एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी, वाई की वैल्यू भी मान लो 4 आ रही थी और जेड की वैल्यू मान लो आ रही थी, कितना बच गया, 75. ये एक सॉल्यूशन था या नहीं था इसका, बस अब फर्क क्या पड़ेगा. अब फर्क ये पड़ेगा कि एक सॉल्यूशन ये भी आ सकता है, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4, z इक्वल टू 75. पॉसिबल है? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और पहले अगर प्रोडक्ट 1200 आ रहा था तो अभी भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1200. तो ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस इतना है कि अब हमें साइन डिसाइड करने पड़ेंगे. अब तीन नंबर के साइन इस तरीके से डिसाइड करने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है. तो तीन नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, जब या तो तीनों नंबर पॉजिटिव हो या फिर दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो. तो माइनस माइनस प्लस हो सकते, माइनस प्लस माइनस हो सकते, या फिर प्लस माइनस माइनस हो सकते. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो?
तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, पहले कितने आए थे 270 आए थे। तो होगा क्या, हर केस के कोरेस्पॉन्डिंग मतलब जो सॉल्यूशन है उसके कोरेस्पॉन्डिंग चार सॉल्यूशन आएंगे, तीन नहीं आएंगे, जैसे एक सॉल्यूशन ये हुआ। और क्या हो सकते कि एक्स फोर हो जाए, वाई माइनस फोर और जेड माइनस 75। पहले एक्स वाई को नेगेटिव कर दिया, फिर वाई जेड को, और एंड में कौन हो सकता है, एक्स और जेड। तो जहां पर पहले एक सॉल्यूशन मिल रहा था, अब उसकी जगह कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे। तो जहां पर पहले 270 सॉल्यूशन मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे, इनटू 4। तो 270 इनटू 4 कितना आ जाएगा, ये आंसर पल्ले पड़ा। तो साइन डिसाइड करो, बाकी पुराने वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ पूछना है पूछ लो, फिर लिखो डीरेंजमेंट। अब वो मान लो पांच नंबर आ जाए तो क्या करोगे, फिर उसमें केस बनाओगे कि चार नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तीन पॉजिटिव है, या पांच छह पॉजिटिव है, करते जो बस। चलो लिखो डीरेंजमेंट। Let there are n letters numbered 1 to n n corresponding envelopes. The number of ways the letters can be put inside the envelopes such that no letter goes in its right place is equal to क्वेश्चन का मतलब समझो, बोल क्या रहे हैं आप। सपोज करो तुम्हारे पास n लेटर्स हैं, उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to n। 1 to n लिखा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है उनका कलर अलग हो, कुछ भी अलग हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि n लेटर्स हैं और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो मान लो ये लेटर्स आ गए तुम्हारे पास, ये मान लो एक लेटर था जो दिल्ली जाना था, एक चंडीगढ़ जाना था, एक शिमला जाना था, जहां भी जाना था, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हैं, लिफाफे हैं। मान लो ये लिफाफे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, अप टू n। तो हमें काम दिया गया कि हमें हर लेटर को किसी ना किसी एनवेलप में डालना है। एक एनवेलप में एक ही लेटर आएगा, वो नहीं कर सकते कि सारे लेटर उठा के वन वाले में डाल दिए, ठीक है। तो रेंडम हमें इनको क्या करना है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है या एनवेलप्स में लेटर रखने हैं, इस तरीके से रखने कि कोई भी लेटर अपनी सही जगह नहीं जाना चाहिए। जैसे वन वाला कायदे से किस एनवेलप में जाना चाहिए था, वन वाले में, टू वाला टू में जाना चाहिए था, थ्री वाला थ्री में जाना चाहिए था। तो हमें यह काम करना है कि कोई भी लेटर अपनी सही जगह ना जाए, गलत जगह ही जाना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूं, मान लो तीन लेटर है 1 2 3, तीन एनवेलप है 1 2 3। तो तुमने क्या करा, वन वाले को टू में भेज दिया, टू वाले को थ्री में भेज दिया, थ्री वाले को वन में भेज दिया। तो तीनों लेटर एक एक एनवेलप में चले गए। ऐसा कोई भी लेटर है जो अपनी सही जगह गए? तो ऐसे काम करने के कितने तरीके होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीरेंजमेंट। उसके जो नंबर ऑफ वेज आते हैं, अगर एन लेटर्स हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएन से।
उसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन, वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे अपॉन में आता जाएगा। ये जो दो लिखी हुई है ये सिर्फ थोड़ा फॉर्मूला देखने में अच्छा लगता है, याद करना आसान होता है इसलिए लिखी हुई है, बाकी तुम देख सकते हो वन से माइनस वन कटेगा। तो कायदे से कहां से चालू होगा, वन बाई टू फैक्टोरियल से, बाहर फैक्टोरियल में आया कहां से होगा, पूरा डिराइव नहीं करेंगे, सेट से आया, सेट से आते हैं, क्या करते हैं पहले टोटल अरेंजमेंट कर दो, एन लेटर्स को एनवेलप्स में डालने के तरीके कितने हैं फैक्टोरियल में, उसमें से वो केस माइनस कर दो जब एक लेटर गलत जगह चला गया, सॉरी एक लेटर सही जगह चला गया, तो उस लेटर को चुनने के कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, एनसी वन, बाकियों को कैसे मर्जी अरेंज कर दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें रिपीटेशन हो जाएगा, जैसे भी हुआ था ना दिखाया था वो कि एक डाइस सिक्स से बड़ा है तो जरूरी थोड़ा बाकी डाइस सिक्स से बड़े नहीं होंगे, तो अगर एक लेटर सही जगह चला गया तो हो सकता है जब बाकियों को अरेंज करे तो उसमें भी कोई लेटर सही जगह चला गया, तो प्लस में क्या करोगे दो लेटर सही जगह चले गए एनसी टू, बाकियों का फर्क नहीं पड़ता, इन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू, फिर प्लस माइनस करते जाओ, ये फॉर्मूला आ जाते हैं, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, लिख लो डायरेक्ट यूज होगा। एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं यूज कैसे होगा। दूसरी बात, ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया। डी वन का मतलब क्या, एक लेटर एक एनवेलप, एक लेटर एक एनवेलप है, उसको गलत डालने का तरीका है कोई, सही जगह ही जाएगा वो तो डी वन कितना आएगा, डी टू कितना होगा, दो लेटर दो एनवेलप उसकी वैल्यू बनाती है, डी थ्री निकालो कितनी आ रही है याद तो, क्योंकि मुझे भी नहीं है, निकालना डी थ्री कितना आ रहा है, ये कटेगा, ये आएगा शायद थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार, डी फोर बारह में से चार गए आठ, आठ और एक नौ शायद, देखना डी फोर नाइन आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो एक बार, वैल्यू पुट करनी है बस, और कहां तक लेकर जाना है, अगर चार है तो वन बाय फैक्टोरियल फोर तक आएगा, निकालना कितना आ रहेगा, नाइन आ रहा है, डी फाइव कितना आ रहा है, डी फाइव का मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, डी अरेंजमेंट ऑफ फाइव लेटर्स, मतलब पांच लेटर पांच है, मतलब कोई भी लेटर सही जगह नहीं जाना चाहिए, ये आना चाहिए साठ, साठ में से गए कितने चालीस बीस, गलत कराऊंगे, साठ में से गए चालीस, चालीस और चौवालीस, हाँ ठीक है, ये लिख लो, याद करने का मन हो तो कर लेना, नहीं तो साथ के साथ निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करो जल्दी, फिर सवाल करके देखते हैं। तो आ रही है, क्यों सामने खड़ा हो गया, बोर कर रहे है, सुबह सुबह है ना, वैसे मास्टर आ रखे, जीवन बर्बाद कर दिया हमारा। तो अमन सर जब बुकेट दोनों डिस्कस करवाई तो हर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो और क्या चाह रहे तू, तो मैं पूरे नहीं करवाऊंगा, मैं पूरे नहीं करवाऊंगा, जो जो डाउट होंगे भाई अपने भेजते रहना, आज फिर बोल रहा हूँ, वैसे मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी बोला था, जो बुकलेट मैंने ग्रुप में डाली है पीडीएफ हार्ड कॉपी से कर रहे हो बहुत बढ़िया करो, लेकिन डाउट उसी से लूंगा मैं, तो अगर तुमने कोई बच्चा है जिसके पास शीट है और उसने शीट से करी और वो पीडीएफ से अलग है तो पीडीएफ में देख लेना कि उस क्वेश्चन का नंबर क्या है और वो डाउट लिख के भेज देना, वो सर्कल स्ट्रेट लाइन वाले पंगे दोबारा मत करना। कौन कौन थे वैसे, अब तो शक्ल, अब तो बैठे हो ऑफलाइन, कोई दो चार तो होंगे, ऐसा तो नहीं होगा सारे ऑनलाइन बैठे हैं, दो चार तो होंगे जिन्होंने वो पंगे उठाए थे। हाँ स्ट्रेट लाइन, तो चलो तुम्हारा दोष नहीं था, स्ट्रेट लाइन में तो तुम्हें पता नहीं था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में पंगा हो चुका है, सर्कल में फिर उठाए तो ही था भाई, एक तो क्या तेरे समझ नहीं आई फिर वो बात, वो उस टाइम तो मैं पूछ नहीं सकता था क्योंकि सारे ऑनलाइन थे। लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज। अच्छा, ये लेटर एनवेलप का सिर्फ एग्जांपल है, अब ये क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास चार अलग अलग कलर की बॉल है, रेड येलो ब्लू ग्रीन, चार उसी कलर के बॉक्स हैं, चार बॉल को चार बॉक्स में रखने, एक बॉक्स में एक बॉल आनी चाहिए, कोई भी सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, जैसे रेड कलर की बॉल रेड कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, सेम सवाल है। अच्छा और क्या एग्जांपल ले सकते हो, दस माँ बाप है उनके दस बच्चे हैं
हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, कोई भी बच्चा अपने खुद के घर में नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो भावनाएं, मतलब कोरेस्पोंडिंग में ना जाए बाकी जो भी हो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सेवन, सेवन छोड़ो यार छोटे ले, सिक्स एंड लेटर्स, कैन बी पुट इनसाइड सिक्स एनवेलप्स। कुछ ना बोलता हो तो लेटर्स डिस्टिंक्ट है, अलाइक हो तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा किसी चीज का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सिक्स लेटर्स कैन बी पुट इनसाइड सिक्स एनवेलप्स सच दैट exactly one letter is put inside its corresponding envelope. Exactly एक letter ऐसा है जो अपनी सही जगह गया, तो बाकी letter कहां गए होंगे? गलत जगह। बताओ जल्दी से कितने तरीके आएंगे? आ गया सबको? तो क्या करो, पहले वो letter select कर लो जो सही जगह जा रहे। तो 61 से हमने वो लेटर सिलेक्ट कर लिया, मैं लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा। जैसे मान लो ये 1 है, 2 3 4 5 और 6, चार लेटर उनके कोरेस्पोंडिंग, सॉरी 6 लेटर, 6 एनवेलप। कोई एक लेटर होना चाहिए जो सही जगह जाए, तो पहले वो लेटर सिलेक्ट कर लेते हैं 61। मान लो 1 वाला सिलेक्ट हो गया कि इसको सही जगह जाना है, तो सही जगह जाने के तरीके कितने हैं? एक ही तरीके। अब बाकी के जो 5 हैं, उन 5 में कोई भी सही जगह नहीं जाना चाहिए, डीरेंजमेंट लगा दो। तो 61 इनटू में कितना आएगा? D5। तो 6 इनटू D5 की वैल्यू 44, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 264 आ रहा होगा शायद। ये आंसर है, आसान है। अगला लिखो, at least 4 letters are put inside inside the wrong envelope. चार को कम से कम गलत जगह भेजा गया, कम से कम चार को। आया? कुछ नहीं, सिंपल है। या तो चार लेटर गलत जगह गए होंगे, अगर चार गलत जगह गए हैं तो कितने सही जगह गए? 2। तो पहले वो 2 सिलेक्ट कर लो। 6C2 से हमने वो 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए जो अपनी सही जगह गए हैं, बाकी चार अपनी सही जगह नहीं गए, तो डीरेंजमेंट लगा दो। इनटू में कितना जाएगा? D4। या फिर क्या होगा, या तो चार लेटर गलत जगह गए, या फिर क्या होगा, 5 लेटर गलत जगह गए। अगर 5 लेटर गलत जगह गए हैं, इसका मतलब एक लेटर सही जगह गए, तो ऊपर वाला काम हो गया। क्या करोगे? 61 और बाकी 5 गलत जगह चले गए। या फिर क्या होगा, या फिर 6 लेटर गलत जगह गए होंगे, 6 के 6 गलत जगह गए हैं, तो क्या होगा? D6। ये पल्ले पड़ा। 6C2 कितना होता है? 15। D4 कितना निकाला था? शायद 9 है ना, इसकी वैल्यू तो अभी निकाली है, 6 × 44। D6 कितना आ रहा है? D6 कितना आ रहा है? जग गया तू, चार बार बोलने के बाद D6 कितना आ रहा है? 265। डिसाइड कर लो कितना आ रहा है, यह वैल्यू तो निकाल लोगे ना इसके बाद। अच्छा मान लो मैं तुम्हें बोल देता कि एग्जैक्टली एक लेटर है जो गलत जगह जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? मतलब 5 लेटर सही जगह जानी चाहिए, ऐसा हो सकता है? एग्जैक्टली 5, अगर एग्जैक्टली 5 चले गए तो छठा लेटर छठे एनवेलप में जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना, अगर n लेटर्स हो तो n-1 सही जगह नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर n-2 सही जगह जाएंगे। लास्ट पार्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का।
इफ ईच लेटर इज पुट इन साइड inside a wrong envelope and letter one is put inside envelope two. सारे लेटर गलत जगह जाने चाहिए और लेटर वन को एनवेलप टू में ही डालने ये जरूरी है. आ गया आंसर? यस सर. सर इसमें किसी और तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब सेकंड पार्ट में, मतलब कौन से केस माइनस करें? या तो तीन लेटर गलत गए हूं, या दो गलत गए हूं, या एक या जीरो लेटर. हाँ कर सकते, पर उसमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से चार केस माइनस होंगे, चार भी नहीं एक्चुअली तीन. हाँ ठीक है, सही है, कर सकते हो. हाँ भाई आंसर आया इसका किसी का? सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना. वन वाला टू में जाना चाहिए, भेज दिया उसमें, वन वाला तो जा चुके. अब क्या करना चाहिए? अब सिंपल डी फाइव लिख सकता हूं मैं यहां पर, पांच लेटर पांच एनवेलप. यस लिख दो. कौन सा हमारे क्या क्या करे? पांच लेटर हैं, पांच एनवेलप हैं, लेकिन डी फाइव यहां पर नहीं लिख सकते, क्योंकि कारण यह कि पांच जो लेटर हैं उनके कोरिस्पोंडिंग पांच एनवेलप नहीं है, क्योंकि वन वाला यूज हो चुका है और टू वाला यूज हो चुका है. यही हुआ ना? तो जब डी फाइव डी सिक्स लगाते हैं तो जो नंबर के लेटर होते हैं उसी नंबर के एनवेलप होते हैं, तो तीन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो दिक्कत है ना टू वन वाले में, कि लेटर टू नंबर के है लेकिन एनवेलप उसका वन के. पहले क्या होता था कि वन वाला वन में नहीं जा सकता, लेकिन अब टू वाला वन में तो आ ही सकता है ना. तो क्या करना चाहिए इसके लिए? केस बना लो. मैं एक लाइन में आंसर लिख रहा हूं, ये सोच के बताओ ये समझ में आया? डी सिक्स अपॉन फाइव, ये सोचो कैसे लिखो. वो डी सिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डीरेंजमेंट ऑफ सिक्स लेटर्स एंड सिक्स एनवेलप्स, कि सारे के सारे लेटर गलत जगह गए. अगर मैंने टोटल डी सिक्स लिया, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो वन वाले लेटर के पास कितने तरीके थे जाने के लिए? जितने केस टू में जाने के हैं उतने केस थ्री में जाने के होंगे. टू और थ्री में कोई डिफरेंस है हमारे लिए? जितने तरीके से वो थ्री में गया होगा उतने तरीके से फोर में फाइव में सिक्स में गया होगा. अगर इसके एक्स तरीके हैं तो सबके एक्स एक्स तरीके आए होंगे, वो टोटल एक्स सारे मिलाकर तब जाकर आंसर 265 आया होगा डी सिक्स. समझ रहे बात? लेकिन हमें उनमें से उन पांच में से एक ही केस चाहिए ना. कौन सा केस चाहिए हमें? टू वाला. तो पांच में से एक चाहिए तो डिवाइड बाय फाइव कर दिया. नहीं आया समझ? बोलो कोई दिक्कत है तो. क्या नहीं आया बताओ? मैंने ये कहा है कि पहले वाला जो लेटर है उसको मैंने डी सिक्स लगा दिया. डी सिक्स का मतलब सारे गलत जगह जा रहे हैं. तो जो पहले वाला लेटर है उसके पास गलत तरीके से जाने के कितने तरीके थे? पांच. या तो टू में जाए, थ्री में, फोर, फाइव या सिक्स. अच्छा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स में हमारे लिए कोई डिफरेंस है? नहीं है. जितने तरीके से वन टू में जा सकता है उतने ही तरीके से वन थ्री में जा सकता है. ठंडा नहीं है? जितने तरीके से वन टू में जा सकता है उतने तरीके से वन थ्री में जा सकता है.
वन फोर में, तो अगर टू में जाने के एक्स तरीके हैं तो थ्री में जाने के भी एक्स होंगे, एक्स एक्स एक्स, तो ये सारे एक्स मिलकर ही तो डी सिक्स आया होगा ना, सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करके। तो एक्स 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 पांच बार ऐड करा तो फाइव एक्स आया होगा डी सिक्स, लेकिन हमें सिर्फ टू वाला चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी सिक्स को फाइव से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर है। ठीक है, केसेस बना के करना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है। तो मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा अब याद करो हमने क्या कर लिया, हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लोगों में बांट लिया, 15 आइडेंटिकल टॉफी चार लोगों में बांटो, 15 डिस्टिंक्ट टॉफी है उनको चार लोगों में बांटो, ये काम आता है अपने को। हर टॉफी के पास चार चार ऑप्शन है, चार की पावर 15 आ गया, कम से कम एक वाला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, शुरू में स्टार्ट वहीं से किया था। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बांटना सीख लिया लोगों में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को बांटना सीख लिया, लेकिन अब मान लो ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल हो लोग भी आइडेंटिकल हो, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 15 आइडेंटिकल, क्या बोला था मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनसाइड, कैन बी पुट इनसाइड 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। अब ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल है, बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है, कैन बी पुट इनसाइड 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, कोमा इफ, पहला पार्ट लिखो, ईच बॉक्स मे कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ईच बॉक्स मे कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड लिखो, If no two boxes have the same number of objects, मतलब समझ रहे इस चीज का? Yes. तीन डब्बे, तीनों आइडेंटिकल हैं, देखने में कोई फर्क नहीं है, तुम्हें क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले डब्बे में चार आ गई और दूसरे में भी चार आ गई। अगर पहले डब्बे में चार ऑब्जेक्ट है तो दूसरे में चार तो कतई नहीं आनी चाहिए, चार से कम आ सकती है, चार से ज्यादा आ सकती है। तो इसमें जो खेल होगा वो सारा का सारा किस चीज का होगा कि तीन नंबर का सम तुम्हें 15 चाहिए। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमारे पास तीन अलग अलग डब्बे थे, तीन अलग अलग लोग थे, इसमें चार ऑब्जेक्ट आई, इसमें पांच ऑब्जेक्ट आई, इसमें तीन आई, कितने होंगे, ज्यादा हो गए ना, मतलब कम हुआ, सॉरी कितने में, छह, ये एक बार इसमें चार आई, इसमें छह आई, इसमें पांच आई। इन केसेस को अब तक अलग अलग काउंट करते थे, सेम करते थे अलग अलग, कि पहला बच्चा है उसको चार ऑब्जेक्ट मिली, दूसरे बच्चे को पांच मिली, तीसरे को छह मिली। एक बार क्या हुआ, पहले वाले को चार मिली, दूसरे वाले को छह, तीसरे वाले को पांच। अब ये केस कैसे काउंट होंगे, तीनों बच्चे हैं, तीनों जुड़वा बच्चे हैं, और किसी को कितनी मर्जी ऑब्जेक्ट दे दो फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ कितना पड़ेगा कि एक बार चार पांच छह बांटी, या फिर एक बार हमने सात तीन और पांच बांट दी। ये केस अलग अलग है, सेम है, ये अलग अलग है। तो इस बार सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि कितने ऑब्जेक्ट दे रहे हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसको कितनी ऑब्जेक्ट मिल रही है। डिफरेंस समझ रहे हो, सोच कर आना, कल डिस्कस करेंगे बाकी चैप्टर पूरे, शाम को बुकलेट डिस्कशन होगी, टाइम ना पता हो तो 4:50 का टाइम है।